मेरे पास पर डे कुछ ना कुछ मेल आते हैं, कुछ आपके व्हाट्सएप आते हैं एंड आपके कमेंट आते हैं मेरे हर एक वीडियो के नीचे कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मेरे पास एक मेल पर मैसेज आया हुआ है कि सर मेरे चैनल पर रियूज्ड कंटेंट आया हुआ है और बहुत टाइम से मैं रीअप्लाई कर चुका हूं लेकिन फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। मैंने सोचा आपको इस वीडियो में बताया जाए कि रीयूज्ड कंटेंट की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल जड़ की प्रॉब्लम क्या है और समझे कैसे कि रीयूज्ड कंटेंट किस तरीके से आ सकता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत समझना पड़ता है, बहुत डीप में समझना पड़ता है क्योंकि क्या है कि कुछ वीडियो ऐसी हो सकती हैं कि आपके चैनल पर हो उस पर रीयूज्ड कंटेंट ना हो, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी हो सकती हैं जिस पर रीयूज्ड कंटेंट हो लेकिन आपको वो वीडियो पता ना चल पा रही हो। तो इस वीडियो में आपको क्लियर मैं बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल प्रभाकर को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आइए हम आपको वीडियो में एक एक डिटेल बताते हैं। देखिए रीयूज्ड कंटेंट क्यों आता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, उसके आगे फिर डिटेल में जानकारी लेते हैं। रीयूज्ड कंटेंट इसलिए आता है क्योंकि आपके चैनल पर कुछ ऐसी वीडियो पड़ी है जिस वीडियो में वैल्यू नहीं ऐड है। अब वैल्यू क्या है बहुत डिटेल में समझिए। वैल्यू का मतलब ये हो सकता है कि आपके वीडियो के अंदर वॉइस ओवर ना हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने YouTube से कुछ ऐसी वीडियो उठाया है जिस वीडियो का पूरा पूरा क्लिप उठा के अपने चैनल पर आपने अपलोड कर दिया है। हो सकता है कि आपने अपने चैनल पर शॉर्ट की वीडियो अपलोड कर रखी हो जो कि दूसरे की वीडियो, वो वीडियो रीयूज्ड कंटेंट में आएगी और उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रीयूज्ड कंटेंट में वैल्यू क्या होता है। अब वैल्यू डालना कैसे है, अगर वैल्यू नहीं आएगा आपके वीडियो में, नहीं रहेगा वैल्यू, तो उसको डालें कैसे वीडियो में वैल्यू, या फिर क्या करें, वीडियो डिलीट करें या प्राइवेट करें। आपके माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया ही आया होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर स्पष्ट शब्दों में यहां पर बता दूं कि अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आए, एक बार आप अपने सभी वीडियो को जिसको लग रहा है आपको प्राइवेट कर दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। बिना वीडियो डिलीट किए हुए चैनल मोनेटाइज नहीं करवा सकते हैं आप, राइट। ये दो तरीके हैं जो कि YouTube पर रीयूज्ड कंटेंट हटा सकते हैं। लेकिन अब आपने वीडियो में वैल्यू भी डाल रखा है फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है, ऐसा होता है ना कि आपकी वॉइस ओवर है फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है, इस कंडीशन में दो काम हो सकते हैं। पहला काम, आप YouTube टीम से बात कर सकते हैं। टीम YouTube लगाकर ट्विटर पर जाइए और वहां पर मैसेज करिए, आप मुझे भी टैग कर सकते हैं ट्विटर पर, तो ये चीजें आपको पता हो गई। दूसरा कि आपके चैनल पर अगर ये प्रॉब्लम है और आप परेशान है जिसमें कि आपकी आवाज है और वीडियो में आपने अपनी वैल्यू डाली हुई है आपको लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने हो सकता है यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट वीडियो ही कॉपी कर लिया हो और उस पर वॉइस ओवर किया है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट डेफिनेटली आएगा। ऐसे में रीयूज्ड कंटेंट आता ही आता है और रीयूज्ड कंटेंट फिर हटता नहीं है जब तक वीडियो डिलीट नहीं की जाए, राइट। अब यहां पर मेरे बहुत सारे मित्र दोस्त कह रहे होंगे, भैया अगर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा तो मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम चला जाएगा, इस कंडीशन में बताइए मैं क्या करूं। मैं आपको यहां पर क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर आपके चैनल पर 4000 घंटे कम होते हैं तो आपको दोबारा कंप्लीट करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि YouTube ये कहता है कि जब तक आप अपने वीडियो में अपने चैनल पर चेंजेस नहीं करेंगे तब तक हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। आप बार बार रीअप्लाई करते रहिए, बार बार आप अप्लाई करते रहिए, हम रीयूज्ड कंटेंट बार बार भेजते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन है कि कितनी बार हम रीअप्लाई कर सकते हैं रीयूज्ड आने के बाद, तो आप अभी कितनी भी बार कर सकते हो, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। YouTube ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि एक बार दो बार चार बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको बचना चाहिए ज्यादा टाइम रीअप्लाई करने से क्योंकि अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेना चाहिए। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने चैनल पर जाओ। चैनल पर जाने के बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाओ, वहां पर जाने के बाद आप देखो कि आपके वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पर है, राइट। उस वीडियो को देख लो क्लियर, अगर उस वीडियो में कहीं पर डाउट है तो उस वीडियो को प्राइवेट कर दो। उसके बाद ये जो दूसरी बात बता रहा हूं बहुत टेक्निकली है, थोड़ा सा समझ जाना, उस वीडियो को चेक करो जिस वीडियो से आपके चैनल पर सबसे ज्यादा वॉच टाइम हुआ है, राइट। सबसे ज्यादा वॉच टाइम हुआ है उसे चेक करना पड़ेगा, तो उसे चेक कर लो। और वॉच टाइम बहुत लोग खरीदते भी है तो खरीदने में बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वॉच टाइम खरीदो तो इस माइंड सेट से खरीदो कि आपकी वीडियो जो जिस वीडियो पर वॉच टाइम बढ़वा रहे हो वो वीडियो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये काम आप कर लेना। नेक्स्ट, आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टैग में सब कुछ अच्छे अच्छे लगाओ, ठीक है। और उसके बाद आप रीअप्लाई कर दो, रीअप्लाई करोगे डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप
ये सारा काम कर चुके हैं और आप परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कैसे कब करें, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम आईडी सामने दिख रही है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपके पास हमारा रिप्लाई आएगा। थोड़ी देर बाद, हो सकता है एक घंटे, दो घंटे, एक दिन बाद भी रिप्लाई आ सकता है। जब हम यहाँ से इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई करें तो आप वहां से बोलिए कि सर आई वांट टू पेड मेंबरशिप। आप ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से मैसेज जाएगा, आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि सर वीडियो कॉल पहले कर लीजिए, बिना वीडियो कॉल के पेमेंट और आईडी पासवर्ड कभी भी मत शेयर करना। अगर आप ऐसा काम करते हैं तभी आपके चैनल की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और तभी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगी, राइट। ये काम आप कर लेना, ये काम करने के बाद डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज होगा। 6-6 महीने, 1-1 साल से परेशान है लोग, उनके चैनल मोनेटाइज नहीं होते। एक बार में अप्लाई करवाया है, मोनेटाइज हो गया है। 2-2 साल से परेशान थे, एक बार में चैनल मोनेटाइज हुआ है। आपका भी होगा, बस सिर्फ पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, जो बातें बता रहा हूँ इनको फॉलो करिए, डेफिनेटली मोनेटाइज होगा। आपका भाई आपके चैनल को मोनेटाइज डेफिनेटली करवाएगा। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।